हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैथ एंड योर क्लास इज सेकेंड. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू बी केयरफुली. सो डियर स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडाइंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड इट. टूडे वी विल कम्प्लीट रिविजन एक्सरसाइज ऑफ लेसन. रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है एंड दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू लेसन नंबर 4. यहाँ पर बच्चों वही चीज आएगी जो हमने इस लेसन में स्टडी की है. ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, ठीक. सोचो क्वेश्चन नंबर 1 है पुलिंदा बैलेंस. 50 स्थानों की पूर्ति कीजिए एज 5 × 7 = 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. 5 × 7 बार डेवलप कर देंगे हम तो 5 × 7 कितने होते हैं, 35 होते हैं. तो यहाँ पर हमें 35 फिल करना है. क्या फिल करना है, 35, बिकॉज 5 × 7 में 35. फिर 6 की 8 से मल्टीप्लाई होगी, 6 × 8 = 48. यहाँ हमें 48 राइट करना है. फिर 8 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है तो 8 की 7 टाइम टेबल रीड करेंगे, 8 × 7 = 56 राइट कर देना है. अब यहां बच्चों हमने 8 की मल्टीप्लाई किससे की, 32 आया. यहां बच्चों कुछ फैक्ट मैंने पढ़ाए थे आपको, यानी अगर हम किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा कुछ आंसर आता है, ठीक है. जैसे हमने यहां 8 से किसी नंबर की और मल्टीप्लाई की तो 32 आया. अगर हम इस 32 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा. ये मेथड मैंने आपको बताया था, इट्स अ फैक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यहां पर या तो आप 8 का टेबल फुल के गैस कर लीजिए या 8 से 32 को डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर हम 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 × 4 = 32 4 टाइम जाएगा. तो यहां मैं 4 राइट कर सकता हूं. अब 8 × 4 = कितने होते हैं, 32. इट्स मीन आवर आंसर इज राइट. ओके, 8 × 4 = 32. फिर ऐसे यहां पर है कि 6 की मल्टीप्लाई किससे की गई, 54 आया. तो 6 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 54 ना आ जाए, ठीक है. तो 6 × 9 = 54 होते हैं, 6 × 9 = 54, यानी 6 से मल्टीप्लाई हमने कितने टाइम की, 9 टाइम, तभी तो 54 आया. तो यानी हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर 9 आएगा, 6 × 9 = 54. उसी क्रम में आगे दिया है, यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे की गई कि 16 आया. अब 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 2 × 8 = 16 होता है. तो यानी यहां पर 8 आएगा, 2 × 8 = 16. फिनिश हुआ. आगे जी है. अब जी यहां भी ये वाला ब्लैंक दिया है सवाल, लेकिन प्रोसीजर सेम है, क्योंकि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 24 को तो ये जो नंबर आएगा वो यहीं पे फिल करना पड़ेगा और दोनों का बॉर्डर 24 ही होगा, ठीक है. तो 6 से 24 पर डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल इतने टाइम पड़ेगी 24 आएगा. तो 6 × 4 = 24, इसका मतलब यहां पर 4 होना चाहिए, क्योंकि 6 × 4 = 24 होते हैं. आगे देखेंगे, यहां ब्लैंक है, यहां 5 है. 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 8 = 40 होते हैं, 8 फिल करना पड़ेगा, 8 × 5 = 40. अब यहां क्या आएगा, तो 7 से 49 को डिवाइड कर देख लो, 7 × 7 = 49 होते हैं. यानी यहां पर अगर मैं 7 राइट करूं तो 7 × 7 = 49 हो जाएंगे. क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. निम्नलिखित प्रश्नों को सरल कीजिए, ठीक. कैसे करेंगे, यहां बच्चों 32 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है और आपको मल्टीप्लाई करनी सिखा दी गई है. पहले हम इस 2 से 1 में करेंगे, 2 × 2 = 4. यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा. फिर इस 2 की इस 10th डिजिट में करेंगे, 2 × 3 = 6. तो आंसर क्या है स्टूडेंट, 64. व्हेन वी मल्टीप्लाई 32 बाय 2
वी गेट 64 द आंसर। अब 3 से 22 को मल्टीप्लाई करना है, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, आंसर आया 66। अब 53 की 3 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 9 में और 3 5 जा 15, 15 का 15 पूरा राइट करेंगे लास्ट में, आंसर आया 159। अब 32 की 4 से करेंगे, 4 2 जा कितने होते हैं 8 होते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है। अब बच्चों 4 की यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 4 की इस पहले 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, तो 16 का क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर नंबर 2 डिजिट का आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो हमें केवल यूनिट डिजिट राइट करनी होगी, 4 4 जो 16 का 6, और जो 1 कैरी है वो यहाँ पर हम लगाएंगे इस साइड, ठीक है ना, जो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, 4 2 जो 8 और 1 9, ठीक है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई की 8 आया और 1 कितना हो गए 9, तो आंसर आया 96। अब 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो 15 आया है, 15 का 5 लिखेंगे और 1 हमारा यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 आप लिखेंगे 10, 3 जा 9 और 1 ऐड कर दिया हमने 10 हो गया, तो 105, ठीक है। उसके बाद 44 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 4 जो 12 और 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, आंसर आया 132। अब 2 की 68 से करेंगे, 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 1 कैरी था तो हो गए 13, आंसर आया 136। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर पर टिक कीजिए। जैसे यहां पर 32 मल्टीप्लाई 3 है और इसके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, जो ऑप्शन भी राइट है उसको हम क्या करेंगे टिक करेंगे। जैसे 32 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो जो 3 की 2 से करो, 3 2 जा 6, 6 आना है शुरू में, और 3 3 जा 9, यानी 96 आएगा, 96 ही है इसको टिक कर देंगे। 17 की 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 34 आएगा, 34 स्टार्टिंग में है, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। कोई दिक्कत आ रही है इस तरह से मल्टीप्लाई करने में तो आप रफ पीछे कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है, इस तरह से आप उसको 100 कॉलम में जमा कर मल्टीप्लाई करके आंसर देख सकते हैं। सी है 52 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 104 होगा, 104 ये है इस पर टिक करना है। 46 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 6 जा 18, 18 का 8 आ गया और 1 कैरी हो गया, 3 4 जा 12 और 1 13, यानी 13 ये और 8 पहले, यानी 138, ये थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 138 इज आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। कुछ यहां पर कुछ बड़ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है। देर आर 12 स्विंग्स इन ए पार्क, एक पार्क में 12 स्विंग्स हैं, ऑन ईच स्विंग देर आर 2 चिल्ड्रन, और प्रत्येक स्विंग पर कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें निकालने हैं। तो बच्चों हमें पता है कि पार्क में 12 स्विंग्स हैं जिसमें प्रत्येक स्विंग पर 2 स्टूडेंट हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं, तो हमें 12 की 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या करनी होगी, 12 की 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर नोट को बता रहा हूँ, नोट पर समझते हैं।
तो बच्चों जो टोटल स्विंग्स हैं वो कितनी है, 12 है। तो 12 ठीक, और जो एक स्विंग पर बच्चे बैठे हैं कितने बैठे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 हमने डिवाइड किया, 2 बन जा क्या आया 24। तो यहां पर राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24, यानी कुल बच्चों की संख्या इसके इक्वल है 24। ये आंसर आगे सिंपल है, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव है। ए गार्डनर प्लांटेड 5 ट्रीज इन ए रो, यानी एक माली ने एक रो में 5 ट्री लगाए, यानी 5 पेड़ लगाए। इफ देयर आर 21 रोल्स, यदि वहां पर 21 पंक्तियां हैं तो हाउ मेनी दीज आर देयर ऑल टूगेदर, तो वहां पर कुल कितने पेड़ होंगे एक साथ। सोचो हमें सारे पेड़ों की संख्या बतानी है, अब वो हमें पता है कि एक पंक्ति में 5 पेड़ लगाए गार्डनर ने, माली ने, 21 पंक्तियां हैं ऐसी, तो कितने होंगे, 21 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो यहां पर 5 का आंसर देखेंगे क्या कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई 5, यानी 21 क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, एंड 5 क्या है नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो। ठीक है ना, तो 21 की 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो हम बच्चों कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू 105, यानी 105 ट्री उसने वहां पर टोटल लगाए हैं। एंड द लास्ट वन, 45 पीपल कैन सिट इन ए बस, एक बस में 45 व्यक्ति बैठ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 3 सच बसेस, तो ऐसी 3 बसों में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसी बच्चों क्या करना है, 45 की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि एक बस में 45 बैठते हैं तो 3 बस में कितने बैठेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 135 आंसर आएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे अपने आप, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप करेंगे। बच्चों आज हमने आपको फिनिश करा दी है आपकी एक्सरसाइज, इसका नेम है रिवीजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।